के आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, नाउ वी शैल लर्न ऑल द टेंसेस. वी शैल लर्न मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. वी शैल लर्न यूज ऑफ द टेंस. व्हाट आर द साइन दैट वी कैन आइडेंटिफाई द टेंस दैट ऑल वी शैल लर्न इन कमिंग लेक्चर्स. ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस. फर्स्ट लेट अस सी व्हेन डू वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. फर्स्ट थिंग इज दैट सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर एवरीडे एक्टिविटीज. ओके, व्हाट आर द एवरीडे एक्टिविटीज. लेट अस मेक सम सेंटेंसेस. फॉर एग्जांपल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. माय फादर रीड्स न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग एवरी डे. वी डू मैथ्स प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग. माई ब्रदर वॉचिज कार्टून फिल्म ऑन टीवी एवरी डे. सो दिस आर ऑल एवरी डे एक्टिविटीज. देन हियर रिटर्न डेली एक्टिविटीज. वॉट इज डेली एक्टिविटीज. डेली एक्टिविटीज दैट मीन्स एवरी डे एक्टिविटीज. ओके, इट्स ओनली सिनोनिम. देन देर इज गिवन रूटीन. रूटीन, वॉट डज इट मीन रूटीन. रूटीन बाय इट डजंट मीन दैट यू डू इट रेगुलरली एवरी डे. सपोज यू गो टू टेम्पल एवरी संडे, नॉट ऑन मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, बट यू गो टू टेम्पल ऑन एवरी संडे. ओके, सो दैट इज रूटीन एक्टिविटी दैट हैपन्स आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड रूटीन. ओके, सो एट दैट टाइम यू हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टाइम. देन देयर इज रिटर्न आफ्टर रूटीन एक्टिविटी एटर्नल ट्रूथ. वॉट इज एटर्नल ट्रूथ. ओके, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से द सन राइजिज इन द ईस्ट. द सन राइजिज इन द ईस्ट, दैट इज एटर्नल ट्रूथ. द सन सेट्स इन द वेस्ट. ओके, द अर्थ मूव्स राउंड द सन. दीज आर ऑल एटर्नल ट्रूथ. सो टू मेक सच सेंटेंसेस वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. देन देयर इज गिवन साइंटिफिक ट्रूथ. ओके, व्हाट डज इट मीन साइंटिफिक ट्रूथ. फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मेक वॉटर. ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मेक वॉटर, दैट इज साइंटिफिक ट्रूथ. देन देयर इज अनदर सेंटेंस. व्हाट शैल वी मेक. वॉटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. वॉटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज मैथमेटिकल ट्रूथ. ओके, सो सॉरी, दिस इज साइंटिफिक ट्रूथ. देन देयर इज गिवन मैथमेटिकल ट्रूथ. व्हाट डज इट मीन मैथमेटिकल ट्रूथ. वन एंड वन मेक टू, टू एंड टू मेक्स फोर, टू एंड टू मेक फोर. दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल ट्रूथ. और एनी फॉर्मूला कैन बी गिवन. ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर. ओके, दिस आर ऑल कॉल्ड मैथमेटिकल ट्रूथ. एंड फॉर दैट यू हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. देन प्रोवर्ब्स. वी ऑल्सो यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर प्रोवर्ब्स. प्रोवर्ब्स मतलब जो, फॉर एग्जाम्पल, ट्रूथ ऑलवेज विन. सत्य का हमेशा विजय होता है. ट्रूथ ऑलवेज विन्स. वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. अंडरस्टूड बेटा? ओके, दैट्स फाइन. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द वर्ड्स दैट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई. व्हाट आर द वर्ड्स दैट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, फर्स्ट वर्ड इज एवरी डे. वी गो टू स्कूल एट 7 o'clock एवरी डे. देन देयर इज गिवन ऑलवेज. I always get up early in the morning. Okay, then there is given daily. Okay, daily means my father reads newspaper daily. Often, often का meaning क्या होता है? कई बार. Okay, we often go to library. We often go to library on holiday. Okay, then there is given sometimes. Sometime नहीं है यहाँ पर, sometimes है. Okay, so while writing down in the notebook, please take care that you have to write sometimes. We sometimes go to science laboratory in the school. We sometimes go to science laboratory in the school. So then generally, okay, we generally get up at 7 o'clock every day.
So in this sentence we use simple present tense usually. Usually मतलब वैसे तो हम usually 7 o'clock early ready हो जाते हैं school के लिए. We usually get ready for school at 7 o'clock. Okay, so that is meaning of usually. Regularly, okay, we regularly go to school. Okay, we regularly watch TV. We regularly play badminton every day. So these are all signs that helps you to identify simple present tense. Now let us see how to make sentences in simple present tense. There are three types of sentences mainly: affirmative sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Now let us first see what are the affirmative sentences. In affirmative, it is written in Gujarati. Actually, that means subject. That means subject. Subject plus V1 or V1 with S or ES. V1 or V1 with S or ES. Okay. Plus object. Now there is two option. V1 or V1 with S or ES. What does it mean? यहाँ पर oblique है, plus नहीं है. Okay. What does it mean? V1 लिखना है या V1 or S ES लिखना है? So whenever there is I, V, you or they, you have to write V1. V1 मतलब go, write, जो verb का पहला form है वही आपको लिखना है. Okay, and whenever there is V3, for example he, she, it, okay, then you have to add S or ES to the verb. My father, you cannot write my father read books every day. You compulsorily have to write my father reads, because my father is he, third person singular. So you have to add S or ES to the verb. Okay, when do we add S and when do we add ES? Okay, let us see when to use ES. When the verb ends with double S, the SH, CH, X, O or double Z, we have to put ES to the verb. Okay, let us see the example. Chalo, jiske last mein double S aata ho, aisa koi example do. Class, that is wrong. Class is not verb. Okay, pass, P-A-S-S, pass होना, वो verb है, तो passes होगा. चलो SH वाला दो, brush, okay, तो brushes होगा. CH वाला दो, catch, तो catches होगा. X, तो mix, तो mixes होगा. O, go, तो goes होगा. Double Z, तो buzz, तो buzzes होगा. Okay, so these are all the examples relating to this rule. When the verb ends with double S, SS, CH, X or double Z, when the subject is he, she, it only, at that time only this rule applies. Okay, let us see the example. First one, I play cricket every day. Play. Okay, here you can see that here the subject is I. कहाँ क्या लिखा है यहाँ पर? I लिखा है, तो वो he, she, it नहीं है. Then you cannot write place. Place नहीं लिखेंगे यहाँ पर. क्या होगा? I play cricket every day. Okay. Second example देखिए. Raj reads a book daily. Okay. यहाँ पर देखिए Raj. Raj कौन है? He. Raj he है. He है तो क्या आएगा वहाँ पर? ओके एस लगेगा. ओनली यू कैन नॉट राइट रीड. आई वी यू दे है देन यू कैन राइट ओनली रीड. अदरवाइज ही शी इट है तो आपको एस सी एस कंपल्सरीली एड करना है. तो यहाँ पर होगा रीड्स. राज रीड्स अ बुक डेली. ओके ओके लेट अस सी नेगेटिव सेंटेंसेस. ओके एज यूजुअल यू नो दैट सेंटेंस स्टार्ट्स विद वर्ब. ओके सो द फर्स्ट step of the negative sentence formation is subject. Here you have to keep it in mind that you have to add extra do or does. Okay, these are these supporting verbs you have to use to make the sentences. Do or does. Okay,
सब्जेक्ट प्लस डूडस प्लस नॉट प्लस वी वन, यहाँ पर ऐसी एस वाला रूल नहीं है, यू यू हैव टू राइट ओनली वी वन, डोंट विथ एस और ई एस, इवन द सब्जेक्ट इज ही शी इट, बिकॉज यहाँ ऑलरेडी हम डज यूज करते हैं, तो यहाँ पर एस ई एस नहीं लगाना है. ओके okay? कई स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि सर हम यहाँ डज में नहीं लगाते, चलो यहाँ पर लगाते तो चलेगा, नहीं रॉन्ग होगा 100%. ओके ग्रामर ग्रामेटिकली कोई क्वेश्चन है तो आपके मार्क्स जाएंगे. ओके बाद में ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड्स. ओके अभी when you have to use do and when you have to use does, let us see the same rule. Whenever there is I, we, you or they, you have to use do, and if there is he, she, it or does, you have to use, whenever there is he, she, it, you have to use does. Understood? Okay, that was. Now let us see interrogative sentence. Interrogative sentence, that means question. Interrogative sentence, that means question. Okay, in interrogative sentence, the question starts with do does. You cannot write subject in the beginning, but you have to use this extra supporting verb, just like negative sentence is do or does. Do or does plus subject plus V1 plus object plus other words. Okay. So your sentence would be interrogative sentence. Okay. For example, dekho first wala example. A negative ke example reh gaye dekho. Hum everyday cricket nahi khelte, so we do not play cricket every day. Aur Nita daily books nahi padhti, so Nita does not read a book daily. Okay, we have already discussed about interrogative sentence. Interrogative sentence starts with do does. Okay, agar what, where, when wale hai to uski sentence formation different hai, uske bhi aage lagta hai what, when, what do you do every day, is tarah se. Okay, agar what wh non wh questions hai, then question starts with do does. Okay, kya hum wo har roz cricket khelte hai to uska kya hoga sentence. Do they play cricket every day? Okay. बाद में देखिए. Does he read a book daily? क्या वो हर रोज book पढ़ता है? Okay. And this rule is very much simple. Then that you must have studied in your primary classes. When to use have or has? Okay. Whenever there is, this is all very much basic grammar. Whenever there is I, we, you, they, you have to use have. And when there is he, she, it, you have to use has. Okay. Then to be, what is called to be form? Is, am, are. Is, am, are and was, were. These are all called to be form. To be form of to be. Present tense hai. Toh aapko likhna hai. Am is are. Aur past tense है, then you have to write was there. Past tense है, तो आपको क्या लिखना है? Was there. To be form of to be, present tense, am is are. Mr. Shah is a teacher. Mr. Shah are teacher, हम नहीं लिख सकते. Okay, बेटा? So that was simple present tense and we learnt all the rules. We learnt when to use simple present tense. Let us see the summary. Simple present tense is used for everyday activities, daily activities, routine activities, eternal truth, scientific truth, mathematical truth, proverbs. What are the signs that helps you to identify the simple present tense? What are the signs that helps you to identify this tense? Okay, everyday, always, daily, often, sometimes, generally, usually, regularly. Okay, then we learned the sentence formation of affirmative sentence, negative sentence and interrogative sentence. Okay, in affirmative sentence you have to make the sentence with subject plus V1 or V1 with S or ES plus object. Okay, whenever there is I, we and they, you have to use V1. If there is he, she, it, then you have to use S or ES with verb.
Okay, when to use es, when the verb ends with double s, sh, when the verb ends with double s, sh, ch, x or double z, you have to add s or es to the verb. Okay, then we learned about negative sentence, how to make negative sentence. While making negative sentence, you have to use extra supporting verb do or does, subject plus do not plus does not plus V1 plus object plus other verb. Whenever there is I, we, you and they, you have to use do. Whenever there is he, she, it, you have to use does. Okay. Hum har roj cricket nahi khelte. We do not play cricket every day. Nita har roj book nahi padhti hai. Nita does not read a book daily. Okay. Then we learned about interrogative sentence, do not plus subject plus V1 plus object plus other words. In the same way, just like negative sentences, we have to use do does to make the question. Kya wo har roj cricket khelte? Do they play cricket every day? Or he, she, it hai, third person singular, then you have to use does. Does he read a book daily? Okay. The form of to have I, we, you, they, you have to use have with them, and whenever there is he, she, it, you have to use has. Okay. Example, I have a book. I have, so humne likha hai have. Okay. Then there is to be form. To be ke present tense ke form hote hai, am is are. Okay. Am I ke saath use hota hai, is singular ke saath, और I plural के साथ, you singular है तो भी are लिखना है, you plural है तो भी आर लिखना है. ओके, यू के साथ कंपल्सरीली आर लिखना है. सो दैट वॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस. एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ओके, डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कॉमेंट दैट अंडरस्टूड द टॉपिक सो दैट आई कैन गेट द फीडबैक whether यू आर फॉलोइंग और नॉट फॉलोइंग. एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग टू दिस टॉपिक, यू कैन ऑल्सो मेक कॉमेंट. ओके, थैंक यू बेटा, बाय.